रूस और यूक्रेन के बीच 16 महीने से जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने शिथिल पड़े नाटो संगठन में एक नई जान फूंक दी है, या यूं कहें कि 1949 में बना नाटो शीत युद्ध के बाद इतना एक्टिव कभी नहीं था जितना वो यूक्रेन युद्ध को लेकर नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूँ अंकिता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी ताकि यूरोप में दोबारा युद्ध ना हो और सोवियत संघ को बढ़ने से रोका जाए। तो वहीं यूरोप में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाटो को लगता है कि सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि एशिया में उसका नंबर दो का एक और दुश्मन है जो आने वाले वक्त में नाटो के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल लंबे समय के लिए नाटो के सामने पुतिन नहीं बल्कि चीन को सबसे बड़े दुश्मन के रूप में माना जा रहा है जो यूरोप के तटों के करीब पहुंच गया है। नाटो भी रूस के बाद चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर चल रहा है और यही वजह है कि कुछ नाटो देश चीन को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं और यही वजह है कि नाटो एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहा है। नाटो चाहता है कि वो चाइना के करीब युद्धाभ्यास करे, लेकिन नाटो को इस उद्देश्य के लिए फिट रखना आसान काम नहीं है। वहीं कुछ सदस्य देश नाटो को यूरोप से बाहर लेकर नहीं जाना चाहते। हालांकि कुछ देश मानते हैं कि नाटो को अपना प्रभाव ड्रैगन के करीब तक ले जाना चाहिए क्योंकि चीन के कदम यूरोप की ओर बढ़ने से नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी और पूर्वी चीन सागर में बार बार यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान के नेताओं को इस बार नाटो की बैठक में बुलाया गया और इन देशों ने यहां पर कहा था कि दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में चीन के यथास्थिति बदलने की हर संभव कोशिश का जवाब प्रभावी रूप से दिया जाना चाहिए और यही वजह है कि जापान में नाटो के दफ्तर को खोलने की बातचीत चल रही है। चीन को ऐसा लगता है कि एशिया प्रशांत में अपना विस्तार करके अमेरिका ताइवान को सुरक्षा देने की कोशिश कर सकता है और वो ऐसा नाटो प्लस या नाटो एशिया प्रशांत चैप्टर के विस्तार के रूप में कर सकता है। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।